इसमें इन्वर्टर का जो फेज है इसमें से सप्लाई होगा, ठीक है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पास एक बोर्ड है जिसमें एक 5-पिन सॉकेट, एक स्विच और एक इंडिकेटर। जी हाँ दोस्तों, हम करने वाले हैं इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन। जी दोस्तों, जो कनेक्शन बहुत सिंपल बहुत आसान है, लेकिन फिर भी बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि जब हम फेज वाली वायर को हटा देते हैं तो लाइट वाली फेज कहाँ जाती, कैसे आती है। वो जो कंफ्यूजन वो काफी लोगों के पास है, कई कमेंट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। हम आपको लाइव टेस्ट करके दिखाएंगे कि इन्वर्टर कनेक्शन करने के बाद ये कैसे वर्क करता है। जो हम फेज वाली वायर निकाल देते हैं लाइट की फेज, तो उसमें जो इन्वर्टर लगा देते हैं तो उसमें फेज कैसे आती है लाइट जाने के बाद या फिर लाइट आने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा लाइव टेस्ट होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इन्वर्टर में कनेक्शन कैसे होता है और जो फेज वाली वायर लगती है इन्वर्टर की वो कैसे काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर एक स्विच, एक सॉकेट है, एक इंडिकेटर है। तो सिंपल से जो कनेक्शन आप जानती होंगे, सबसे पहले हमें फेज वायर को लगाना है जो कि हमारे पास रेड वायर है। फेज वायर हमें स्विच के निचले वाले पॉइंट पर लगाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फेज वाली वायर को लगा दी जो कि लाइट की फेज है, ठीक है। अब न्यूट्रल कनेक्शन करते हैं। न्यूट्रल हम यहाँ पर देंगे इन वाले पॉइंट पर, न्यूट्रल के भी कनेक्शन दे दिए, ठीक है। हम अर्थिंग कनेक्शन यहाँ पर अभी नहीं करेंगे, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इन्वर्टर कनेक्शन हमें कैसे करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ से इस स्विच से सॉकेट में कनेक्शन कर लेते हैं जो कि प्रॉपर आपका जो बोर्ड कनेक्शन वो हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अभी हमारा कनेक्शन जो कम्प्लीट हो, हमें इसी में करना है इन्वर्टर कनेक्शन। तो इन्वर्टर के लिए हमने व्हाइट वायर ली है, जो आपकी फेज वायर होगी इन्वर्टर की, वो आप कोई भी वायर ले सकते हैं। यहाँ पर हमने व्हाइट वायर ली है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सॉकेट में करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर केवल सॉकेट ही है और एक साथ स्विच है, ठीक है। तो सॉकेट ऑन ऑफ होता है स्विच से, तो स्विच में फेज होगी और न्यूट्रल होगी जिससे ये ऑपरेट होता है, ठीक है। तो यहां पर जो इन्वर्टर की फेज वायर होती है ये फेज होती है, ठीक है। न्यूट्रल जो है ऑटोमेटिक इन्वर्टर से मिल जाता है, तो न्यूट्रल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब हमें करना है अपने सॉकेट में, एक ही सॉकेट है, तो जो फेज वाली वायर है इसको हमें हटा देना है परमानेंटली। लाइट की जो फेज है उसको हटा देना है, हटा देना है, हमें इन्वर्टर वाली वायर लगा देनी है। ये हमने इन्वर्टर वाली वायर यहाँ पर लगा दी है। अब हमारा ये जो सॉकेट है ये इन्वर्टर से हो गया और ये लाइट से भी चलेगा। यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि जो हमने फेज वाली वायर हटा दी है उसको कहाँ लगाएंगे। आप उसको नहीं लगाने, क्योंकि यहाँ पर एक ही सॉकेट है। मान लीजिए यहाँ पर कई सॉकेट होते, कई स्विच होते, बल्ब होल्डर भी होता, तब हम उस फेज को, जो लाइट वाली फेज को, जिसमें भी लाइट से कनेक्शन करना चाहते हैं, मान लीजिए हमारा फैन है उसे हम लाइट से करना चाहते हैं, या फिर ट्यूबलाइट है उसको हम लाइट से करना चाहते हैं, तो लाइट वाली फेज जो है उसमें हम लगाएंगे। और अगर हम पूरे बोर्ड में करना है तो इस वायर की जगह, यानी मेन सप्लाई की जगह पर हम इन्वर्टर वाली वायर लगा देंगे, तो पूरा बोर्ड हमारा इन्वर्टर से हो जाएगा। इंडिकेटर में आपको फेज लगाना पड़ेगा लाइट वाला, क्योंकि इंडिकेटर को इन्वर्टर से चलाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो कनेक्शन है ये इन्वर्टर से हो गया है, सिंपल सा कनेक्शन है, ठीक है। हमने फेज वाली वायर को हटा दिया, हमने इन्वर्टर वाली वायर लगा दी। अब इसे हम चेक करते हैं कि ये वाकई काम करता है या फिर नहीं। अब ये सिंपल सा जो नॉर्मल कनेक्शन हमारा, ये सिंपल सा उसी की तरह है। तो ये हमारे पास एक्सटेंशन बोर्ड है, इसको हम लगाते हैं यहाँ पर और इसको चेक करते हैं, ठीक है। ऑन किया, ऑन हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं, ये हमारे पास बल्ब होल्डर है, इसको हम यहाँ पर लगाते हैं, आप देख सकते हैं जल रहा है, बंद हो गया, जल गया, बंद हो गया, जल गया, ठीक है। अब चलिए इन्वर्टर में चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी लाइट नहीं है, ठीक है, फिर भी हम इन्वर्टर में कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारा इन्वर्टर है, ठीक है, और ये इन्वर्टर का जो आउटपुट है जो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, यही सप्लाई हमारी जाती है पूरे बोर्ड में, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं ये सिंगल वायर है, ठीक है, ये सिंगल वायर लगी हुई है, ठीक है, लेकिन इसको टच नहीं करना है क्योंकि इसमें करंट है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा जो सॉकेट यहाँ पर दिख रहा है यहीं से हमारा आउटपुट आता है, ठीक है, और ये हमारा बोर्ड है जो हमने अभी बनाया है, ठीक है, जिसमें हमने अभी कनेक्शन किया है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है, और प्लस ये जो बोर्ड है ये हमारे सप्लाई से जुड़ा नहीं हुआ, यानी घर के जो बोर्ड है उसमें ये जुड़ा नहीं है, इसलिए हमें न्यूट्रल का भी कनेक्शन यहाँ पर करना है। लेकिन उससे पहले आपको इसको चेक करना है कि किस पॉइंट पर फेज वाली वायर आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेस्टर है, उसको हम चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये टेस्टर चल रहा है, यानी कि राइट साइड में फेज आ रहा है और लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है। राइट साइड में आप देख सकते हैं ये जल रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो राइट साइड में फेज है,
तो ये हमारा जो बोर्ड है, इसका जो व्हाइट वाली वायर है, जो हमारा इन्वर्टर वायर है, जो कि ये फेज वायर है, तो इसको हमें यहाँ पर लगाना है। तो आप थोड़ा सेफ्टी से लगाइएगा अगर चेक करना है तो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने लगाया, हमारा इंडिकेटर यहाँ पर जल चुका है, थोड़ा सा हिल रहा है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा इंडिकेटर भी जल रहा है, हमारे बोर्ड में सप्लाई आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो न्यूट्रल हमें लगाया है, ये ऑलरेडी जहां से ये चार्ज होता है, इसका जो चार्जिंग पॉइंट है, वहां से ये कनेक्टेड होता है फेज और न्यूट्रल से, ठीक है। तो जो न्यूट्रल होता है, ये ऑलरेडी वहां से टच होता है, इसीलिए यहाँ पर न्यूट्रल नहीं लगाया जाता। एक ही वायर को हम सप्लाई देते हैं पूरे बोर्ड में, ठीक है, इन्वर्टर के फेज वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने न्यूट्रल को भी लगा दिया, जिससे हमारे इसमें सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपके बोर्ड जैसा हो गया है, लेकिन जब लाइट आएगी इसमें, तो आपकी जो न्यूट्रल है, जहां से ये चार्जिंग हो रहा है, वहां से न्यूट्रल ऑलरेडी इसको मिल जाएगा, ठीक है। और जो फेज है, लाइट आने के बाद इसमें आपकी लाइट की फेज आएगी, क्योंकि जहां से ये चार्ज होता है ना, वहीं से ये फेज और न्यूट्रल से टच होता है। जब लाइट आ जाती है, तो ये ऑटो कट हो जाता है और लाइट की सप्लाई फेज वाली यहां पर आ जाती है, और यहीं से पूरे बोर्ड में आपको फेज की सप्लाई मिल जाती है, जो कि लाइट वाली फेज होती है, ठीक है। जैसे लाइट आई, प्लग जहां पर चार्जिंग वाला लगा होता है, आपको दिखाते हैं कहां पर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये साइड में, वो साइड में लगा हुआ है। तो जब लाइट आती है इस बोर्ड में, यानी कि हमारे सप्लाई, यानी कि हमारे घर में जब लाइट आती है, तो यहाँ से फेज और न्यूट्रल लगे हुए हैं, यहाँ पर आते हैं। जब लाइट आती है, तो वहां से फेज वाली लाइट इसमें भी आ जाती है, और ये आउटपुट में लाइट की फेज ही भेजता है, ठीक है। और जब आउटपुट में लाइट की फेज भेजेगा, तो जितने भी इन्वर्टर वाले कनेक्शन होंगे, उसमें लाइट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से लाइट्स जा रहे कनेक्शन, और जो ऑलरेडी लाइट्स हैं वो तो चलेंगे ही। तो जब आपके घरों में लाइट आती है, फेज वहां से आता है, न्यूट्रल वहां से जब टच होता है, तो जो फेज वायर आती है, इन्वर्टर उसको कट कर देता है, यानी कि इन्वर्टर के जो फेज है, उसको कट करके लाइट वाली फेज को यहां से भेज देता है आपके बोर्ड में, ठीक है। तो एक ही वायर से ये लाइट से भी चलता है, और प्लस इन्वर्टर से चलता है। जब लाइट चली जाएगी आपके बोर्ड से, यानी कि आपके घर से लाइट जब चली जाएगी, तो ये इस फेज में, यानी इस वायर में, इसमें इन्वर्टर का जो फेज है, इसमें से सप्लाई होगा, ठीक है। फेज जो है ना, इसमें सप्लाई होगा यहां से, इन्वर्टर का फेज जब लाइट चली जाएगी, इन्वर्टर का फेज यहां से आया, और न्यूट्रल ऑलरेडी वहां से टच है, यानी कि वहां से जुड़ा हुआ है। तो ऑलरेडी न्यूट्रल सभी जगह मिला हुआ है, केवल इन्वर्टर के फेज की जरूरत है। यहां पर फेज इससे मिल जाता है, और हमारी सप्लाई कनेक्ट हो जाती है, जिससे हम इन्वर्टर से कुछ भी चला सकते हैं, ठीक है। और जब लाइट आती है, तो वहां से फेज ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और सप्लाई इसमें आई, तो ये इन्वर्टर के फेज को कट करके लाइट के फेज यहां से भेज देता है, और हमारा बोर्ड जो है लाइट से भी चलने लगता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा फंडा है, हमारा बल्ब भी जल रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा, आप समझ गए होंगे। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए कि जब भी आप इन्वर्टर के जो चार्जिंग पॉइंट है, आप इसे बंद कर देंगे, तो जितने भी इन्वर्टर से कनेक्शन होंगे, वो ऑलरेडी सब बंद हो जाएंगे, ठीक है। केवल लाइट वाले जो कनेक्शन है, वही चलेंगे। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि वहां स्विच जो ऑफ हो गया है, वो सप्लाई को कट कर देते हैं, यानी कि फेज सप्लाई को कट कर दे रहा है। तो जितने भी ऑलरेडी इस वायर से, यानी यहां से जो जुड़े हुए हैं, जब यहां से कट हो गया है, तो यहां पर करंट तो आएगा ही नहीं, तो जितने भी इन्वर्टर कनेक्शन है, वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। चार्जिंग पॉइंट ऑन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, कोई कमेंट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।